सितंबर 12 को बाइक बुक किए थे, नवंबर 13 को फ़ोन आया शोरूम से कि बाइक चलाया, तो अभी लाने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, अभी एक एक करके हर एक चीज़ देखना है कि कुछ स्क्रैचेस या कुछ ख़राबी है कि नहीं है। पहले तो चक्का देख लिया, टायर वायर ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं इंडिकेटर ठीक है कि नहीं। हाँ इंडिकेटर ठीक ही है, बैकलाइट हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, टाइट है। अभी तो ये बाइक वर्कशॉप में क्या खड़ा है, इधर देखिए विंडशील्ड नहीं है, विंडशील्ड नहीं लगाया गया, तो जो इधर मैकेनिक है उसको बोलना है कि विंडशील्ड लगा दे। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या नहीं है। ये मीटर छोटा वाला टीपर, ये बड़ा वाला कंसोल टाइट है या लूज़ है, ठीक ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सारा कुछ देखा, अभी जो देखना है सामने वाला इंडिकेटर ठीक है कि नहीं। हाँ ये भी ठीक है, ये वाला इस तरफ का, हाँ ये भी ठीक है, लूज़ बूज नहीं है। बहुत सारा कंप्लेंट आता है कि नहीं, बहुत सारा लोग का क्या होता है गिर जाता है, तो इसलिए पहले ही सोचा कि देख लेता हूँ कि बाद में लूज़ ना हो जाए। अभी ये पीछे का डिस्क ब्रेक कुछ दिक्कत है कि नहीं, सामने की इस तरफ ये हैंडल का कुछ दिक्कत है कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक ही देखा, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा। कोई क्रैचेस है कि नहीं, कोई क्रैचेस ना, नहीं ठीक है। ये हॉर्न हाँ ठीक है, स्पीकर ठीक ही है, ये तार वायर बहुत सारा निकला हुआ है, इस तरफ उस तरफ बहुत सारा निकला हुआ है। अभी इस तरफ देख लेते हैं, इसका जो ब्रेक ऑयल है ये लेवल तो सही है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही है, ये ठीक ही है। और एक चीज़ हम लोग को देखना है वो है इसके बाद जो है वो होता है क्या, इंजन ऑयल मोबिल जो है वो नीचे का जो है इसमें, हाँ ये ठीक ही है, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, लेवल ठीक है। ये सब सब लोग को देखना चाहिए बिफोर डिलीवरी लेने से पहले ना, सब लोग को चेक करना चाहिए कि ऑयल इंजन ऑयल एंड क्या है वो जो ब्रेक ऑयल जो है ठीक है कि नहीं है, ये सब देखना चाहिए। सामने का डिस्क ब्रेक कोई दिक्कत है कि नहीं, क्रैक ब्रेक है कि नहीं, नहीं क्रैक ब्रेक नहीं है, ये ठीक ही है, ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, सब कुछ दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी आप लोग डिलीवरी लेंगे बिफोर डिलीवरी आप लोग पहले चेक कर लीजिए सब सब ठीक है कि नहीं है। मुझे जितना आता है उतना देखा सब कुछ, मुझे शायद मैंने भी सब कुछ नहीं देखा, कुछ कुछ छोड़ दिया होगा शायद, तो जितना मुझे लगा कि ये देखना है ये देखना है ये चेक करना है मैंने चेक किया और हो गया। अभी हम लोग को जो है इसको छोड़ के इसको बोल देते कि जो भैया है उसको बोल देते कि विंडशील्ड लगा दे, उसके बाद हम लोग क्या जाते हैं उसको छोड़ के हम लोग जाते शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर जाके हम क्या करेंगे, अभी जो पेमेंट वेमेंट जो है वो पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद बाइक लेंगे। देखते उधर कितना टाइम लगता है पेमेंट में, कुछ पेपर्स वर्क है डॉक्यूमेंटेशन को जो करना है उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, तो हम लोग चला जाते हैं अभी शोरूम के अंदर ऑफिस में जहाँ पर पेमेंट करना है। ये अंदर जा रहे हैं हम लोग, अभी अंदर जाके बैठते हैं, इस तरफ चला जाते वो अंदर घुस जाते, भैया सर चलिए बैठते हैं, हाँ चल रहे हो, देखते कितना टाइम लगता है। अभी इंश्योरेंस वंश सही से चेक करने, बैटरी नंबर इंजन नंबर पेपर्स में सही है कि नहीं ये भी चेक करना है। हम लोगों ने पेमेंट कर दिए, पेमेंट करते करते ये देखिए बाइक रेडी होके आ गया शोरूम में। अभी जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो शोरूम वाला जो आदमी है वो लोग कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड सब दे दिए उन लोग को। अभी वो लोग क्या कर रहा है, बिल बना रहा है, तो बिल बनाते बनाते हम लोग थोड़ा सा बाइक को देख लेते हैं, उसके बाद क्या है हम लोग को निकलना है डिलीवरी लेना है। बिलिंग कंप्लीट हो गया, अभी बाइक जो है पार्किंग है स्टार्टिंग पॉइंट में, मेरा जर्नी जो है से स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए वह से हम लोग क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट है बाइक का जो कीज़ वीज़ है जो सब है वो सब लेते हैं। देखिए ये जो है ये पेपर्स है, पेपर्स चेक किया जाए, ये मिलाया जा रहा है कि इन
ये बिल हम लोग को क्या देख के लेना है, ये देखिए ये 1.5 लीटर का एक चिरकुट मिला, जो पेट्रोल पंप में दिखाने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, 1.5 लीटर पेट्रोल हम क्या कर सकते हैं टैंक में डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो है यूज़र मैनुअल दिखा रहा है, उसके बाद जो है ये देखिए ये सब जो है इंश्योरेंस जो है सब अंदर बैग में डाल दिया। अभी ये दो की दिया जा रहा है, जिसमें कि जो शोरूम है शोरूम का कुछ लोगो वोगो लगा हुआ, कुछ स्टिकर है उसमें। गाड़ी को पहना।